ओके गाइस, सो मैं हूं सीएस अंकल कांस्टिया, और ये क्वेश्चन जो कब से मैं सुन रहा हूं स्टूडेंट से दैट सर फॉरेक्स को ऑप्शन में छोड़े क्या। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये आज आपका क्वेश्चन नहीं है, ये सालों साल से चला रहा है। जब मैं सीए फाइनल का हमारे टाइम पे हुआ करता था माफा मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, तभी भी हमारे पास ये सेम क्वेश्चन सोचते थे हम लोग, यार फॉरेक्स करे कि छोड़ दे, एफआर में कंसोलिडेशन करे कि छोड़ दे, ऑडिट में ऑडिट ऑफ बैंक्स, डायरेक्ट टैक्स में नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, छोड़ ही दिया था मैंने तो, मुझे तो अभी भी याद है। सो दैट्स हाउ इट हैज ऑलवेज बीन, तो उसमें इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आईडीटी में हमारे टाइम पे एक्साइज हुआ करता था, तो कुछ उसके कॉमन चैप्टर्स थे एक्साइज के, कस्टम्स के, वो स्वाहा। सो हियर वी हैव द क्वेश्चन अगेन बाय द स्टूडेंट्स के सर फॉरेक्स को ऑप्शन में छोड़े या करें। सो प्लीज ये वीडियो को एंड तक देखना टू गेट अ फुल क्लैरिटी एज टू व्हाट वी शुड डू, बिकॉज मैंने कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे है जो मैं आप लोगों के साथ एक बाय एक डिस्कस करने वाला हूँ क्विकली। हु कैन टेक अ माइन्यूट चांस ऑफ लिविंग फॉरेक्स इन ऑप्शन। तो अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप दे रहे हो, देन यू कैन हैव अ टेक अ माइन्यूट चांस कि भाई चलो टेक लेते हैं एक रिस्क, जैसे मैं 24 वालों ने लिया, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। सो अगर आपका दोनों ग्रुप है और वो भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, ये वाला फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, हाँ ठीक है, पूरा मतलब एकदम फ्रेश फर्स्ट अटेम्प्ट, तो आप वो चांस ले सकते हो। दूसरा, स्टॉप द ब्लेम गेम। मतलब ये एक चीज जो आजकल स्टूडेंट्स करते हैं कि अरे सर ये प्रोफेसर ने बोला इसको ऐसे करना है, ये प्रोफेसर ने बोला, देखो कोई भी कितना भी प्रोफेसर हो, ही विल नेवर से यू टू लीव फॉरेक्स जैसा चैप्टर इन ऑप्शन। प्रायोरिटी वाइज यस आप उसको ले सकते हो पीछे। अगर आप मुझे भी पूछोगे कि सर एफआर के एग्जाम के बाद आके मैं 6 बजे फॉरेक्स स्टार्ट करूं क्या, मैं बोलूंगा जरा भी नहीं, स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, फिर डेरिवेटिव्स कर लो, मर्जर्स एक्विजिशंस, एडवांस कैपिटल बजटिंग है, ये सब कर लो, उसके बाद में फॉरेक्स करना बॉस, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी माई सजेशन। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो बोल रहा है कोई भी कि आपको फॉरेक्स छोड़ दो आप। अगर कल उठ के फॉरेक्स आ गया 15 मार्क का, तो आप सीधा बोलोगे अरे ये देखो सर ने बोला था कि ये फॉरेक्स करना है, सर ने बोला था कि फॉरेक्स छोड़ना है। एंड ऑफ द डे इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर डिसीजन, नो बडी एवर विल टेल यू फॉरेक्स छोड़ दो, ऐसा कभी कोई नहीं बोलेगा, फॉरेक्स करो बट प्रायोरिटी में बाद में। जैसे हमारे टाइम पे है ना, इंटरमीडिएट में टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता था, डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स, इनडायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स, डायरेक्ट टैक्स 500 पेज, इनडायरेक्ट टैक्स 100 पेज। सो बट ऑब्वियस है आई विल फर्स्ट फोकस ऑन द 100 पेजेस, सिक्योर माई 50 मार्क्स, एंड देन आई विल फोकस ऑन द रिमेनिंग डीटी पार्ट। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डीटी ऑप्शन में छोड़ देता हूँ, डीटी मैं करता हूँ बट प्रायोरिटी पे पहले मैं ये 50 मार्क्स को एकदम अश्योर कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं डीटी के ऊपर आता हूँ और डीटी को भी मैं ढंग से करता हूँ। सो प्लीज एंश्योर दैट ये ऐसा कुछ आप लोग कभी भी किसी के लिए ना करें। डूइंग फॉरेक्स इज बेटर देन वेस्टिंग टाइम एल्सवेयर। बच्चे लोग ये पूछने में 10 जन को फोन करके पूछेंगे ये तू फॉरेक्स कर रहा है क्या, ये तेरा फॉरेक्स हो गया क्या। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, हम लोग चीजें ऑप्शन में छोड़ने का एक लिबर्टी ले सकते थे, यू कैन नॉट डू इट। यू नो व्हाई? बिकॉज आज की तारीख में आपके पास हर एक चैप्टर का रिवीजन सेशन है, हर एक चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का, फॉर्मूलास का, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का, कोई भी चीज आपको चाहिए आपके पास रेडीली अवेलेबल है ऑन यूट्यूब विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस। एंड फिर अगर आप चीजों को ऑप्शन में छोड़ रहे हो, देन यू आर टेकिंग अ वेरी बिग रिस्क, बिकॉज मेजोरिटी पब्लिक वो चीज को करके जाएगा, बिकॉज रिसोर्सेज फ्रीली भी अवेलेबल है। मेरे टाइम पे मुझे पता था मैं फॉरेक्स छोड़ रहा हूँ, मेरे साथ और जो 100 जन है वो सब भी फॉरेक्स को ऑप्शन में छोड़ रहे हैं, तो रिलेटिवली वी आर एट द सेम लेवल। अगर आप ये गलती करोगे इट विल बैकफायर यू, बिकॉज अगर एग्जाम में फॉरेक्स इजी आता है और बाकी का पेपर डिफिकल्ट आता है, अभी अपन क्या सोचेंगे कि भाई चलना फॉरेक्स को छोड़ दिया, कितने मार्क का आएगा फॉरेक्स, 10 मार्क का, 15 मार्क का, फेयर इनफ, बाकी का अपन लोग पूरा पेपर बराबर से करके आएंगे। हो सकता है कि बाकी के पेपर में कुछ जो समझो अपन लोग ने मर्जर्स एक्विजिशन एडवांस कैपिटल बजटिंग एकदम बराबर करके जाए, बट वो एकदम हाई लेवल डिफिकल्ट लेवल का आया, तो वो जो आता है वो भी करना मुश्किल हो जाएगा। फॉरेक्स ईजी है बट फॉरेक्स किया ही नहीं, बैकफायर करेगा सीधा। सो प्लीज डू नॉट लीव इट इन ऑप्शन। प्रायोरिटी में ठीक है, ऊपर नीचे उसको कर सकते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा रात को एक्स्ट्रा एफर्ट लो, जागो, देन इन दैट केस सब चीज पॉसिबल है। अब तो आपके पास खाली 3 ही सब्जेक्ट है जो खाली एक ग्रुप दे रहा है, और अगर जो दोनों ग्रुप दे रहा है खाली 5 ही सब्जेक्ट है। यार पहले 8 सब्जेक्ट होता था, 4 सब्जेक्ट होता था, तभी भी पब्लिक करके जाता था। आज के स्टूडेंट को तो ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए, मतलब आई विल से इट इज अ होपलेस
थिंक टू आस्क दैट, ये मैं छोड़ दूंगा ऑप्शन में. एक तो ऑलरेडी आपका सिलेबस इतना श्रिंक हो गया है इन टर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव, उसके बाद भी आपको ढूंढना ही है कुछ ना कुछ तो ऑप्शन निकालने के लिए. ऐसे कैसे चलेगा दीदी? सो दिस इज नॉट द राइट अप्रोच गाइस. आपको करना ही चाहिए फॉरेक्स, ऑब्वियसली इन जनरल लाइफ में भी आगे काम आएगा, बट मैं वो फिलोसॉफिकल बात करूं उसके पहले इंस्टीट्यूट के लेवल पे भी 15 मार्क के लिए आने का चांसेस है. सो व्हाई टेक अ रिस्क? एंड ऑफ द डे इट इज गोइंग टू बी योर डिसीजन. मैं अभी बोल रहा हूं 15 मार्क के लिए आएगा, हो सकता है May 24 जैसा 0 मार्क के लिए आए, हो सकता है 25 मार्क्स के लिए भी आ सकता है. नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. अपना काम क्या है? कर्म करना. लाइव फॉरेक्स इसीलिए मैं ले रहा हूं यूट्यूब पे. सो पूरा का पूरा फॉरेक्स मैं लाइव लूंगा यूट्यूब के ऊपर. शायद मैं लाइव के बाद उसका रिकॉर्डेड रखू ना रखू, आई डोंट नो, मे नॉट कीप. जो भी अपडेट्स है मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरे टेलीग्राम चैनल पे नोट्स रिलेटेड सारी चीजें दूंगा. कमेंट्स पे मैं शेयर भी कर रहा हूं टेलीग्राम चैनल का, तो नोट्स वहां से डाउनलोड कर लेना. तो अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, सर मेरे पास टाइम नहीं था. टाइम तो है, ऐसा तो है ही नहीं कि आपके पास टाइम नहीं है. अभी तो काफी अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ्स बाकी है अपने एग्जाम को, 1 मंथ बाकी है एग्जाम को. सो दिन रात एक करके ये चीज की जा सकती है. इतना कम टाइम नहीं है आपके पास. आज 20 अक्टूबर पे मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं. ऑलराइट, सो डोंट फाइंड एक्सक्यूजेस, फाइंड वेज टू वर्क हार्ड. वी विल गिव यू द रिसोर्सेज, वी विल एंश्योर दैट आप सब चीज करके जाओ. और मैं तो बोल रहा हूँ अवेलेबल भी है ऑलरेडी चीजेस, मेरे खुद के भी लेक्चर्स अवेलेबल है. फिर भी लाइव पे भी मैं और भी अच्छी तरह से करवाऊंगा, कोई टेंशन नहीं. आप लाइव पे आओगे तो क्या डाउट भी पूछ सकते हो. आपको फॉरेक्स का डर है ना, तो डर को मैं भगा दूंगा. आप मेरे को डाउट पूछो, मैं आपको डाउट का एक एक डाउट का आंसर दूंगा. अभी अगर आप लोग ने मेरे ये यूट्यूब के रिविजन लेक्चर्स देखे होंगे, एवरी क्वेश्चन दैट द स्टूडेंट इज आस्किंग ऑन द चैट, मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ एंड उसी के साथ पूरा का पूरा चैप्टर भी रिवाइज करवा रहा हूँ. डेरिवेटिव्स है, कैपिटल बजटिंग है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन है, एवरीथिंग इज डन. सो अगर आपको फॉरेक्स से डर है, लाइव आ जाओ, डाउट पूछ लो. इफ नॉट, बाद में आपको रिकॉर्डेड देखना है देख लो. बट लीविंग एन ऑप्शन शुड नॉट बी एन ऑप्शन एट ऑल. थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे, इधर उधर लोगों से बातें कम करोगे, इधर उधर जो अपना सोशल मीडिया पे ज्ञान फालतू का लेते रहते हो देते रहते हो कम करोगे, हो गया. आपके पास सफिशियंट टाइम मिलेगा सब चीज करने के लिए. एंड ऑफ द डे कॉल इज योर. एंड एग्जाम के बाद कभी किसी को ब्लेम गेम वो सब मत करना. आई एम श्योर यू विल टेक अ राइट डिसीजन. टाइम फॉर मेडू से आस्ता ला विस्ता. अभी भी मैं बोल रहा हूं यस, प्रायोरिटी वाइज बाद में है, बट आपको कोई ये नहीं बोलेगा ऑप्शन में ही छोड़ दो. ठीक है, प्रायोरिटी में मैं भी बोलता हूं यार थोड़ा बाद में करना चाहिए, पहले मेरे को ग्रिप ले लेना चाहिए बाकी चीजों के ऊपर जो इजीली अचीवेबल है, फॉर्मूला ओरिएंटेड है, कॉन्सेप्ट्स कर लिया, समझ लिया है, कॉन्फिडेंट हूं मैं कर पाऊंगा. आई विल यूज दैट मेथड. आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. विल यू ऑल्सो डू फॉरेक्स या ऑप्शन में छोड़ दोगे? बताना मुझे. आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी द कमेंट्स वेयर पीपल आर सेइंग यस 100% आई विल डू द फॉरेक्स. एंड उसके लिए आपको जो रिसोर्सेज मेरी तरफ से चाहिए आई विल गिव, बट ढंग से करके जाओ. हस्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग. थैंक यू सो मच.